गर्मी के रौद्र रूप धारण करते ही बीमारियों ने भी करवट बदलना शुरू कर दिया है। बच्चे उल्टी दस्त के शिकार हो रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में इन बीमारियों से ग्रसित बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। लापरवाही से यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तापमान बढ़ते ही नवजात शिशु बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसके कारण अधिकतर बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बीमारी में बच्चे पानी की कमी के शिकार हो जाते हैं। छोटी सी लापरवाही बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। बच्चे को ऐसी कंडीशन में ORS घोल अधिक से अधिक देना चाहिए। हैजे से 30-35% बीमारी का ग्राफ बढ़ गया है। SN की OPD में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बिना चिकित्सक परामर्श के दवा नुकसान पहुंचा सकती है, ये कहना है वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश्वर दयाल का। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मौसम का प्रकोप बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और उसी का नतीजा है कि गर्मी के मौसम में बच्चों को उल्टी दस्त होते हैं और उससे पानी की कमी बड़ी जल्दी हो जाती है, जिसके लिए हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। इस मौसम में थोड़े से भी उल्टी दस्त हो तो बच्चों के अंदर पानी की कमी बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाती है। ऐसे में उसका उपचार कैसे होना चाहिए और उसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में मैं संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहूँगा। रोकथाम के लिए तो ये है कि बच्चे के खाने पीने में खासतौर से ख्याल रखें। शुरू के 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाएं। उसके बाद जब पानी देना शुरू कर दिया जाए तो उस पानी को उबाल के ठंडा करके दें। कच्चा पानी देने से बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, जिसमें उल्टी दस्त भी शामिल है। और इस मौसम में कच्चा पानी जो है बहुत दूषित होता है, जिससे पीलिया, टाइफॉइड, उल्टी दस्त की बीमारी होती है। SN मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग की OPD में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में हैजे की बीमारी से ग्रसित बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीमारी का ग्राफ काफी बढ़ गया है। डॉक्टर राजेश्वर दयाल की देखरेख में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा बच्चों का इलाज किया जा रहा है। यही कारण है अधिकांश बच्चे ठीक होकर घर जा रहे हैं। लोगों का भी काफी विश्वास बढ़ गया है। मून न्यूज के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।